See, in this now, in the previous video, we have discussed this LEED or structure of surface. ये दो टॉपिक डिस्कस किया था हमने and this topic we have finished. So, now we'll study the application. अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट नहीं करना है हमको, ये refined LED technique ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं है हमारे सिलेबस में refined LED technique. तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ा है स्ट्रक्चर, हमने क्या पढ़ा है, ये स्ट्रक्चर पढ़ा है यहाँ पे, ये और ये पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस पढ़ा है और ये वाला LEED पढ़ा है, ये पढ़ा है. तो इसके बाद हम लोग इसी LEED का एप्लीकेशन विल सी. दिस आर द एप्लीकेशंस, ऐसे एप्लीकेशंस लिखनी है तुम लोगों को. वॉट इज एप्लीकेशन, LED पैटर्न मे बी यूज टू असेस द डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सरफेस. डिफेक्ट डेंसिटी अर्थात LED पैटर्न से हमें क्या मिलेगा कि जो भी डिफेक्ट्स है, जो भी डिफेक्ट्स है सरफेस के ऊपर, वो डिफेक्ट्स हमें समझ में आ जाएगी. इससे डिफेक्ट्स सरफेस पे जो भी रहेगी वो हमें दिख जाएगी, ये बोला है. बाद में द पैटर्न इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस स्टेप्स एंड लिंक एंड किंक्स इन द सरफेस. इस पैटर्न से हमें समझ में आ जाएगा कि जो क्रिस्टल लिया है या हमने जो सैंपल लिया है उसके सरफेस के ऊपर कोई स्टेप्स किंक्स या ट्रेसेस तो नहीं है, तो वो समझ में आ जाएगा इस पैटर्न, जो पैटर्न के पैटर्न को स्टडी करने के बाद समझ में आ जाएगा. अब ये किंग स्टेप्स ये सब क्या है, थोड़ा सा अप एंड डाउन, ये थोड़ा सा खरदड़ा ट्रेसेस ये सब, मतलब थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है, लिंक्स थोड़ी फोल्डिंग तो नहीं है सरफेस के ऊपर, वो अनइवन जो सरफेस रहती है ना उसका, वो समझ में आ जाएगा कि अनइवन है क्या नहीं सरफेस उसका, ठीक है, सैम्पल का वो समझ में आ जाएगा. तो ये इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है इस पैराग्राफ में, इस तरह पैराग्राफ में मत लिखना, पॉइंट बाय पॉइंट. ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ से फुल स्टॉप से ये सेकंड पॉइंट रहेगा, है ना, ऐसे लिखना है. द सैम्पल कैन बी ऑब्टेन बाय क्लीनिंग ए क्रिस्टल एट डिफरेंट एंगल टू द प्लेन ऑफ एटम. तो ये सैम्पल जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो सैम्पल क्या करते हैं, पहले सैम्पल इज उसको क्लीन करते हैं एट डिफरेंट एंगल, देन ओनली वी आर यूजिंग दिस सैम्पल फॉर दिस मेथड. वी हैव टू क्लीन दिस क्रिस्टल एट डिफरेंट एंगल्स में क्लीन करते हैं उसको. ओनली ट्रेसेस आर प्रोड्यूस व्हेन कट इज पैरेलल टू द प्लेन, ये मत लिखना. ट्रेसेस अप्स एंड डाउन्स वो पैरेलल अप्स एंड डाउन्स कब क्रिएट होते हैं, जब सैम्पल को कट करते हैं पैरेलल में तो अप्स एंड डाउन्स क्रिएट होते हैं. द ओनली ट्रेसेस आर प्रोड्यूस व्हेन द कट इज पैरेलल टू द प्लेन एंड डेंसिटी ऑफ द स्टेप इंक्रीजेस एट द एंगल ऑफ कट इंक्रीजेस, ठीक है. ये पॉइंट मत लिखना, यहाँ तक ही लिखना, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख सकते हो. एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ LED पैटर्न शोज दैट द स्टेप्स आर अरेड रेगुली. स्टेप्स आर अरेंज रेगुलर. एडिशनल स्ट्रक्चर पैटर्न जो LED के पैटर्न मिलेगा उससे हम लोग समझ जाता है कि वेदर द सैम्पल इज रेगुलरली अरेंज और नॉट, सो दैट द स्टेप्स आर अरेंज रेगुलरली और नॉट, ठीक है. तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशंस. मे बी इसके अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर मिलता हो LED, उससे उस पैटर्न से, इस LED पैटर्न में मे बी एक एडिशनल स्ट्रक्चर मिलता हो, उससे हमें समझ में आ जाता है कि वेदर द मॉलिक्यूल सैम्पल की वो ऊपर से प्रॉपरली अरेंज्ड है कि नहीं. सो दिस आर द एप्लीकेशंस, पॉइंट बाय पॉइंट यू हैव टू राइट. दिस एडवांटेजेस ऑल्सो यू कैन सी, दिस इट इज़ नॉट आस्क इन द एग्जाम, देन ऑल्सो एडवांटेजेस यू मस्ट नो ऑफ एवरी मेथड्स. एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड के, कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन सोर्स इजीली अवेलेबल हो जाती है. हाई इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी आर अवेलेबल, हाई इलेक्ट्रॉन बीम भी जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाती है. इलेक्ट्रॉन सोर्स तो होता ही इजीली अवेलेबल, लेकिन हाई इलेक्ट्रॉन बीम ये भी इजीली अवेलेबल हो जाती है. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक लिखना, दैट्स इट. इलेक्ट्रॉन बीम लेंथ कैन बी इजीली ऑल्टर्ड
बीम कैन बी इजिली ऑर्डर बाय एडजस्टिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. जो इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग यूज़ करते हैं डिफ्रैक्शन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन बीम की लेंथ भी हम लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब ईजिली चेंज कर सकते हैं वोल्टेज को. वोल्टेज के हेल्प से वो लेंथ भी हम लोग प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से. जितना हमको लेंथ चाहिए, जितना हमको वो बीम का लेंथ चाहिए, उतना हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बीम आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब जो इलेक्ट्रिक बीम है जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की. तो एक बेनिफिट भी है, सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से. क्या बेनिफिट है इसका कि फिर सेंसिटिव होती है तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनको प्रॉपर फोकस करने के लिए हेल्प करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन बीम आती है प्रॉपर फोकसिंग के लिए ये हेल्प करते हैं. ऐसे एक्सरे में ऐसा कोई प्रॉपर फोकसिंग का मेथड नहीं होता, प्रॉपर फोकसिंग नहीं होती एक्सरे में. आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस फील्ड डिफेक्ट एंड देयर बाय फोकस इलेक्ट्रॉन बीम. प्रॉपर फोकसिंग के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हेल्प करते हैं. नो सच फोकसिंग हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर एक्सरे. एक्सरे में ऐसे कोई फोकसिंग नहीं होती. क्योंकि क्यों एक्सरे का यूज़ किया है इसमें, क्योंकि एक्सरे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर एक्सरे में जो पैटर्न मिलता है वो नियर अबाउट, और इसका डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न मिलता है वो नियर अबाउट सेम पैटर्न रहता है. दोनों में मैक्सिमम एक्यूरेसी रहती है, दोनों भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के रहते हैं, एक्सरे पैटर्न और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न. इसे दोनों को बार बार इन्वॉल्व किया गया है हर पॉइंट के अंदर. दोनों की इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम टाइम सेम रहती है. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड कैन बी यूज फॉर स्टडिंग वेपर एंड लिक्विड विच बॉयल्स अंडर रिड्यूस एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड डिकम्पोजिशन. इस मेथड के अंदर वेपर, मैंने पहले ही बताया हमने गैस वाला पढ़ा है, गैस वाला सैंपल और लिक्विड वाला सैंपल. तो इस मेथड के अंदर लिक्विड सैंपल और गैस सैंपल भी यूज़ करते हैं. सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस एप्लीकेशन पार्ट आल्सो. एंड सो आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पेपर दैट दिस सिलेबस वी आर फॉलोइंग. ये तो हमारा हो गया है एक्सरे डिफ्रैक्शन. जो एग्जाम में पूछे हैं वो हो ब्रैक्स कंडीशन भी हो गया, मिलर इंडाइसिस भी हो गया. नहीं, मिलर इंडेक्सेस नहीं करना है हमको, ब्रैक्स कंडीशन कर रहा था, ये लुईस मेथड करना था या ब्रैक्स मेथड ये भी करना था. ब्रैक्स कंडीशन मेथड दोनों करने थे, वो दोनों हमने किए हैं. ये दीबे स्कीमर ये भी किया है हमने. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट्स इसके नोट्स में दूंगी तुमको, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम सिस्टमैटिक एब्सेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसके नोट्स में सब दे दूंगी तुम लोगों को इस टॉपिक के, ठीक है. उसके बाद ये टॉपिक तो नहीं करना है हमको, उसके इन सब में से ही करना है. रामचंद्र डायग्राम यही पूछा है कि जो जो टिकमा किया है ना, मैंने हमेशा मैंने जो पास्ट छः पेपर है, आई हैव सीन दैट 5-6 ईयर्स पेपर. सो एवरी टाइम दिस टॉपिक ओनली दे हैव रिपीटेड और ऑल टॉपिक्स आर आस्क फॉर 4-4 मार्क्स. एवरी टाइम सेम क्वेश्चन आर रिपीटेड. ओके, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम इन अदर टॉपिक वील डू ओनली दिस टॉपिक. सो इन दिस टॉपिक हैज आस्ड इन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इन द सेकेंड पार्ट वॉट वी हैव स्टडीड इन टूडेज और एस्टरडेज वीडियो दैट पार्ट. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इसका एप्लीकेशन पूछा है एंड विथ एप्लीकेशन दे हैव आस्ड ये विरल इक्वेशन बताया, ये भी पढ़ा है हमने विरल इक्वेशन. और उसके बाद ये इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल गैस का स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ये भी पढ़ा है हमने. देन लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, ये वाला लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ये भी पढ़ा है हमने, ठीक है. ये सारे जो टिकमा किए वो सारे टॉपिक पढ़े हैं. ये भी पढ़ा है हमने, ये वाला भी पढ़ा है और ये वाला भी पढ़ा है ये वाला भी, ये दोनों सेम ही है, ये पढ़े हैं ये सारे टॉपिक, ठीक है. तो ये टॉपिक हमारा ये वाला सेकेंड पार्ट भी खत्म हो जाता है इस वीडियो में. सो नाउ वील स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी दिस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन पढ़ना है हमको और मैग्नेटिक स्कैटरिंग, ये दो ही पढ़नी है. बाकी तो एग्जाम में नहीं पूछा है, ये दो ही चीज़ बार बार रिपीट की है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड मैग्नेटिक स्कैटरिंग. ओके, सो हियर आई फिनिश माई वीडियो. थैंक यू.